हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं टॉप 5 सिमिलर गेम्स जो कि बिल्कुल पाल वर्ल्ड सर्वाइवल जैसी है और आप उसे अपने एंड्रॉयड मोबाइल फोन पे खेल सकते हो। वेल, ये सभी गेमें प्ले स्टोर में अवेलेबल है एज फ्री टू प्ले। और हाँ, मैं फिर से रिपीट कर दूं, मैं आपको जो भी गेम्स बताने जा रहा हूं वो पाल वर्ल्ड की जैसी है, ओरिजिनल पीसी कंप्यूटर गेम जैसी नहीं है। अगर हम ओरिजिनल गेम की बात करते हैं तो शायद से वो फेब्रुअरी के फर्स्ट वीक में रिलीज करी जाएगी इसी महीने में, लेकिन मैं इतनी श्योरिटी के साथ नहीं कह सकता हूं। और हाँ, ये जो 5 गेमें मैं आपको बताने जा रहा हूं मैंने खुद से खेल के देखी है, शॉर्टलिस्ट करके हैंड पिक करा है आप लोगों के लिए, और जो सबसे बेस्ट गेमें हैं वही मैं आपको हाईली रिकमेंड कर रहा हूं। आगे इस वीडियो में हम लोग हर एक एक गेम का इन डेप्थ में रिव्यू करेंगे। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों को ये प्ले स्टोर में नहीं मिल रही है, कुछ भी ढूंढने में डिफिकल्टी हो रही है, तो आप मुझे मेरे डिस्कॉर्ड पे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको हर एक एक गेम का लिंक दे दूंगा। अभी हम लोग शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। वेल दोस्तों, लिस्ट की सबसे पहली अमेजिंग गेम है ड्रीमस्टर वर्ल्ड, और ये एक बहुत ही नई एक्शन पैट एडवेंचर बेस्ड रोल प्लेइंग गेम है। बहुत ही नई है, बस जनवरी 2024 के एंड में ही रिलीज हुई थी, और ये बिल्कुल पाल वर्ल्ड गेम की कार्बन कॉपी है। गेम के अब तक डाउनलोड हो चुके हैं 10,000 के भी ऊपर, और इसके ग्राफिक्स एंड विजुअल्स एनिमी स्टाइल दिखाए हैं। और यहाँ पे आप अपने करेक्टर को सिलेक्ट करके उसको कस्टमाइज करके अपना खुद का नाम भी दे सकते हो। पाल वर्ल्ड गेम की तरह यहाँ पे भी आपको एक बहुत बड़ा 3D ओपन वर्ल्ड मैप देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे इमिटेशन ये है कि कैमरा एंगल्स आप देख सकते हो काफी ऊपर की तरफ दिखाए हैं, जैसे आप स्ट्रेटजी बेस्ड गेम खेल रहे हो। लेकिन आप गेम की नाम से समझ सकते हो कि हमें यहाँ पे एक बहुत बड़े ड्रीम वर्ल्ड में छोड़ दिया गया होता है एज अ ड्रीमियो ट्रेनर इसलिए क्योंकि यहाँ पे पॉकी की जगह पर ड्रीमियो जैसे क्रिएचर्स को रखा गया है, जो कि एक तरह के मैजिकल क्रिएचर्स भी होते हैं। हमें यहाँ पे ट्यूटोरियल में सिखाया जाता है कि कैसे इन ड्रीमियोस को पकड़ना है और कैसे इनको टेम करके एक बहुत बड़ी टीम बनानी है, जो कि आगे जाके हम एक बहुत बड़े ग्रैंड इवेंट कॉम्पिटिशन में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ हमें यहाँ पे स्टार्टिंग में एक बहुत बड़े लोनली से वीरान आइलैंड पे छोड़ दिया गया होता है, जहाँ पे हमें अकेले ही पहले सर्वाइव करना पड़ता है, और आगे जाके हमें छुपे हुए हिडन ट्रेजर्स, सीक्रेट्स, रैलिक्स और यूनिक प्लेसेस को डिस्कवर करना पड़ता है, ताकि हम अपने ड्रीमियोस की स्किल्स एंड एबिलिटीज को लेवल अप कर सके। ये बेसिकली एक लार्ज स्केल ऑनलाइन कैजुअल मल्टीप्लेयर गेम है, जहाँ पे तुम्हें ऑल अराउंड द वर्ल्ड 20 प्लेयर्स के साथ मिलके टीम बना के आप ऑनलाइन खेल सकते हो। और हमारा पे मेन गोल उद्देश्य होता है कि अपने ओपोनेंट गैंग के राइवल मेंबर्स को चैलेंज करके उनको हरा के मेडल्स जीतना, एंड एट द एंड ऑफ द टूर्नामेंट जिस प्लेयर के पास सबसे ज्यादा मेडल्स होते हैं वो इस टूर्नामेंट का विनर बन जाता है। तो वह लिस्ट की दूसरी गेम है वॉल्जरेक मॉन्स्टर्स एंड लैंड्स अननोन, और ये बिल्कुल पाल वर्ल्ड की तरह एक ओपन वर्ल्ड आरपीजी गेम है, और ये प्ले स्टोर में करंटली अवेलेबल है एज फ्री टू प्ले। ये एक जैपनीज बेस्ड गेम है और इसके डेवलपर्स हैं कॉलो PLINC, और ये एक सेम गेम ऐसी है जो पीसी कंप्यूटर में भी अवेलेबल है। इसके अब तक डाउनलोड्स हो चुके हैं 5 लाख के भी ऊपर, और इसका साइज है सिर्फ और सिर्फ 110 MB। ये बेसिकली एक एक्शन बेस्ड एडवेंचर रोल प्लेइंग गेम है जिससे हम लोग ऑनलाइन खेल सकते हैं। यहाँ पे जो हम मेन करेक्टर है, प्रोटैगनिस्ट, वो है एक यंग गर्ल जिसका नाम है फीना, और हमारा यहाँ पे मेन ऑब्जेक्टिव काम होता है कि एक आइलैंड के ऊपर हो रहे बहुत सारे अलग अलग मिस्ट्रीज को अनकवर अनरिवील करना। इस आइलैंड पे सभी मॉन्स्टर्स का नाम होता है माउमन, और ये माउमन पॉकीमॉन जैसे क्रिएचर्स ही होते हैं, जो कि रेंज करते हैं क्यूट प्यारे एडोरेबल पेट्स से लेके खतरनाक डेंजरस मांसाहारी मॉन्स्टर्स तक। इसी के साथ साथ हमारे यहाँ पे एक और मेन गोल भी होता है, और वो ये है कि वॉल्जरेक की सच्चाई को जानना। ये वॉल्जरेक एक बहुत ही बड़ा विशालकाय ड्रैगन है, जो कि एक टाइम पे गार्जियन था फोर्ट लिमरा के आइलैंड पे, लेकिन एक दिन इस गार्जियन वॉल्जरेक की फाइट होती है एक लेजेंडरी बीस्ट मॉन्स्टर के साथ जिसका नाम है मैग्ना। इस फाइट के बाद वह दोनों ही खत्म हो जाते हैं। अब उस दिन से लेकर आज तक 10 साल बीत चुके हैं। बिना वॉल्जरेक की प्रोटेक्शन और सुरक्षा के बहुत सारे ऐसे मॉन्स्टर्स एंड क्रिएचर्स हैं इस आइलैंड पे जिनका एक्सटिंक्ट होने का खतरा बहुत बढ़ गया है। हम यहाँ पे ऐसे यंग गर्ल फीना इस काम की लीड लेते हैं और एक रिसर्च कमीशन को ज्वाइन करते हैं। अब वो इसलिए क्योंकि हम
नाम की वो अकेले लोन ह्यूमन सर्वाइवर हैं जिसने वॉल्जरैक की डिसअपीयरेंस को आई विटनेस किया था। इसी के साथ साथ इस गेम में क्रॉस ब्रीडिंग का भी फीचर ऐड किया गया है, यानी कि हम दो अलग अलग ब्रीड्स के मॉन्स्टर्स को एक साथ मिला के एक बहुत ही नया खतरनाक पावरफुल एंड यूनिक मॉन्स्टर्स खड़ा कर सकते हैं जिसमें दो अलग अलग मॉन्स्टर्स की सुपरनेचुरल पावर्स हमको देखने को मिलेंगी। तो अगर आप एक पॉकीमॉन लवर हो तो इस गेम को आपको एक बार जरूर से खेल के देखना चाहिए। तो वह लिस्ट की तीसरी गेम है डॉन लैंड्स। ये भी एक बहुत नई गेम है। इस गेम के डेवलपर्स एंड पब्लिशर्स है सीजन गेम स्टूडियोज। इसके अब तक डाउनलोड हो चुकी है 1 मिलियन के भी ऊपर और इसका साइज है 0.90 GB। ये भी बिल्कुल पाल वर्ल्ड की तरह एक एक्शन बेस्ड एडवेंचर रोल प्लेइंग गेम है। यहाँ पे भी तुम्हें एक लोनली से डेंजरस वीरान आइलैंड पे अकेले ही सरवाइव करना होता है जहाँ पे तुम्हारा सामना होगा बहुत ही अलग अलग तरह के कार्निवर्स मॉन्स्टर्स एंड क्रीपर्स के साथ। और इसी के साथ साथ तुम्हें यहाँ पे 100 से भी ज़्यादा डिफरेंट एंड यूनिक क्राफ्टिंग मटीरियल्स मिलेंगे जिसके जरिए तुम अपना खुद का एक ड्रीम हाउस बना सकते हो और अपने करेक्टर का अवतार यानी कि अपीरियंस भी चेंज कर सकते हो और यहाँ पे फीमेल करेक्टर बन के भी खेल सकते हो। इसी के साथ साथ हम यहाँ पे 4 दोस्तों के साथ मिलकर ऑनलाइन टीम बनाकर भी मल्टीप्लेयर खेल सकते हैं और ये गेम में क्रॉस प्लेटफॉर्म का फीचर भी सपोर्ट किया गया है, यानी कि अगर तुम्हारे दोस्त के पास PC है और तुम्हारे पास मोबाइल तो भी तुम एक साथ एक टाइम पे मल्टीप्लेयर खेल सकते हो। लेकिन एक लिमिटेशन ये है कि तुम्हें यहाँ पे पॉकीमॉन जैसे क्रिएचर्स को देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन फिर भी उसके अलावा तुम काफ़ी अलग अलग तरह के घोड़ों की ब्रीड्स को टेम करके अपना पेट बना के उनसे फाइट करवा सकते हो। इसी के अलावा हमें यहाँ पे एक बहुत ही ज़बरदस्त स्टोरी लाइन देखने को मिलेगी। जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे तुम अपने स्किल्स एंड मैजिकल पावर्स को अपग्रेड कर पाओगे, अपने घर को काफ़ी अच्छे से रेनोवेट कर पाओगे, नए नए एडवांस लेवल की वेपन्स हथियार एंड आर्मर्स क्राफ्ट कर पाओगे एंड वगैरह वगैरह। गेम के ग्राफिक्स एनिमी स्टाइल के दिखाए हैं और यहाँ पे भी तुम्हें एक बहुत बड़ा 3D ओपन वर्ल्ड मैप देखने को मिलेगा जहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट तरह के बायोम्स लैंडस्केप्स रैलीस और पजल्स हैं जो तुम्हें आगे जाके काफ़ी अच्छे से एक्सप्लोर करने होंगे। तो अगर तुम्हें पाल वर्ल्ड गेम पसंद है तो इसे एक बार जरूर से ट्राई करके देखना ही चाहिए। इट्स हाईली रिकमेंडेड। तो वेल लिस्ट की चौथी गेम है जेंशन इम्पैक्ट। एंड आई थिंक इस गेम का नाम तो आप सब लोगों ने सुना ही होगा क्योंकि ये सेम गेम PC कंप्यूटर में भी अवेलेबल है। वेल मैं मानता हूँ कि इस गेम में कोई पॉकीमॉन जैसे क्रिएचर्स नहीं हैं, लेकिन यहाँ पे भी तुम्हें सेम वैसा ही 3D ओपन वर्ल्ड मैप एंड एनवायरनमेंट देखने को मिलेगा जैसे हम लोग पाल वर्ल्ड में देखते हैं विद सेम करेक्टर ग्राफिक्स एंड विजुअल्स पावर एंड अपग्रेड्स। और हाँ, इस गेम की डेवलपर्स हैं कॉग्नोस्फियर PTE और इसके अब तक डाउनलोड्स हो चुके हैं 50 मिलियन के भी ऊपर और इसका साइज है सिर्फ और सिर्फ 386 MB। तो वेल गेम की स्टोरी कुछ ऐसी होती है कि हम एक बहुत ही बड़े फैंटेसी ओपन वर्ल्ड जंगल एरिया में आते हैं जिसका नाम है टाइवर, जो कि एक होम है 7 नेशंस का और ये सभी 7 नेशंस एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हैं एक डिफरेंट एलिमेंट के साथ और इन सभी राज्यों पर एक भगवान का राज चलता है जिसका नाम है आर्कन। अब हम यहाँ मेन प्लेयर प्रोटैगनिस्ट आते हैं अपने आइडेंटिकल ट्विन सिबलिंग के साथ जो कि आगे जाके दुर्भाग्य से हमसे अलग हो जाता है। अब हमको इतने बड़े घने जंगल में अपने ट्विन सिबलिंग को तलाशना है और इसी के साथ साथ हमारे यहाँ पे मेन गोल होता है सिटी ऑफ दवाओं को बचाना, एबिस के आदेश को रोकना ताकि वह और नुकसान और तबाही ना मचा सके और इस ओपन वर्ल्ड दुनिया में पहले के हुए हर एक हिडन सीक्रेट्स एंड मिस्ट्रीज को अनकवर करना। यहाँ पे पाल वर्ल्ड की तरह हमारे पास पॉकीमॉन जैसी सुपरनेचुरल पावर्स होती है जो कि 7 अलग अलग एलिमेंट से बनी हुई है जैसे कि एनिमो इलेक्ट्रो हाइड्रो पायरो काइरो डेंड्रो एंड जियो। गेम के ग्राफिक्स एनिमी स्टाइल के दिखाए हैं और यहाँ पे आप डिफरेंट सिविलाइजेशन की विलेजर्स की हेल्प करके भी अपनी स्किल्स एंड एबिलिटीज को लेवल अप कर सकते हो। इसी के साथ यहाँ पे आप ऑनलाइन टीम अप करके भी अपने दोस्तों के साथ मल्टीप्लेयर खेल सकते हो, लेकिन इस गेम की सिस्टम रिक्वायरमेंट्स थोड़ी हाई है। आपके पास मिनिमम 3 GB की डिवाइस होनी ही चाहिए तभी ये गेम स्मूथली चलेगी एकदम हाई ग्राफिक्स की सेटिंग्स पे रख के। तो वेल लिस्ट की लास्ट गेम है पॉकीमॉन यूनाइट। वेल मैं मानता हूं कि ये गेम पुरानी है जरूर, लेकिन अभी भी ये बहुत ट्रेंड में
चलती है। इसके अब तक प्ले स्टोर में डाउनलोड्स हो चुके हैं 50 मिलियन के भी ऊपर और इसका साइज है सिर्फ और सिर्फ 533 MB और ये एक ऑनलाइन गेम है। हमें यहाँ पे कोई एक बहुत बड़ा 3D ओपन वर्ल्ड मैप तो नहीं देखने को मिलेगा जहाँ पे हम लोग पॉकीमॉन्स को कैप्चर करके उनको टेम कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे खुद ही पॉकीमॉन क्रिएटर्स बन के अपने दोस्तों के साथ ऑनलाइन मल्टीप्लेयर खेल सकते हैं और 5v5 की स्ट्रेटेजिक बैटल और टूर्नामेंट्स भी कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे तुम्हें अपने खुद के एक पॉकीमॉन्स की टीम यानी कि ग्रुप बनाना होगा और तुम रैंडमली किसी को भी चूज कर सकते हो और तुम्हारे सारे पॉकीमॉन्स इनिशियली लेवल 1 पे रहेंगे और तुम्हें बाद में उनको लेवल अप करना पड़ेगा। इसी के साथ साथ तुम्हें अपने एनिमी गैंग के पॉकीमॉन्स को भी हरा के डिफीट करना होगा तभी तुम्हारे पॉकीमॉन्स इवॉल्व कर पाएंगे। और हाँ, यहाँ पे हर एक पॉकीमॉन का अपना खुद का एक यूनाइट मूव होता है जिसे हम लोग सिग्नेचर मूव भी कहते हैं। और इसी के साथ इस गेम के अंदर वॉइस चैट करने की भी फैसिलिटी है जिसके जरिए तुम अपने टीम मेंबर्स के साथ ऑनलाइन इंस्टेंट एंड फास्ट कम्युनिकेशन कर सकते हो। तो वेल, ये थी वो 5 गेमें जो मुझे सबसे ज्यादा बेस्ट लगी है सिमिलर टू पाल वर्ल्ड गेम। अगर आपको किसी भी गेम को ढूंढने में या फिर डाउनलोड करके इंस्टॉल करने में कोई भी चीज की डिफिकल्टी हो रही है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। हम लोग फिर मिलते हैं, चैनल पे नए आए हो तो लाइक करके सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय।